और मीटर चेक करो जी, मीटर काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर में हमें जो है वो मिल जाते हैं। एक दो तीन चार और बैग यहाँ है और हाइलो वाला ट्रैक्टर है दोस्तों। स्टार्टिंग देखिए आपने कितनी स्मूथ है ट्रैक्टर की। तो छोटे इंजन वाला नहीं है, जैसे कि एक छोटे इंजन का जो साउंड होता है वो एक बहुत हल्का साउंड होता है, इसकी जो आवाज़ है एक बड़े इंजन वाली एक दो थर्राट सी आवाज़ होती है, कुछ उस तरह की आवाज़ है ट्रैक्टर की। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने आ गया जी एक ट्रैक्टर। मुझे कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जैसे यार एक सेकेंडरी ट्रैक्टर रखना होता है, जैसे मान लो एक बड़ा उसके साथ छोटा मील में गन्ना ले जाने के लिए ज़्यादा रेस वाला ट्रैक्टर, या मान लो छोटे किसानों के लिए एक सिंगल ट्रैक्टर मान लो या जो भी, तो उसके लिए मैं दोस्तों एक ट्रैक्टर लेके आया हूँ आपके लिए जिसकी रोड पर स्पीड भी काफ़ी है, और अगर हम इसकी माइलेज देखें दोस्तों तो इसकी माइलेज जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हमें मिल जाती है, क्योंकि छोटा ट्रैक्टर अगर हम कम लोड के लिए चाहते हैं तो हमारा भी जो मन बनता है कि ट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए जो तेल कम खाए, क्योंकि काम कम के लिए तेल भी कम खाने वाला ट्रैक्टर होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इसकी खूबसूरती की दोस्तों, तो सामने से आप चेक करो जी कितना खूबसूरत ट्रैक्टर है जी। स्टेयरिंग इसका मैकेनिकल है और यहाँ हमें इसका फार्म ट्रैक का स्टीकर, यहाँ एक डिज़ाइन के लिए मिल जाती है पट्टी नीचे, और लाइटें कुछ इस तरह की हमें मिल जाती हैं। मैकेनिकल स्टेयरिंग है, सिंगल फिल्टर, और दोस्तों इसमें तीन सिलेंडर 34 HP का इंजन है। ट्रैक्टर है जी हीरो F6 फार्म ट्रैक हीरो ट्रैक्टर है दोस्तों। इसमें दो तरह के आते हैं, मतलब जिसके ऊपर नंबर नहीं लिखे होते नाम से बिकते हैं वो आते हैं जी दो, हीरो और चैम्पियन, जो कि एक 34 और दूसरा 38 HP में आता है, ये 34 है। और मैं दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका इंजन, तीन सिलेंडर इंजन है। यहाँ हमें मिल जाता है जी ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ कूलेंट बॉक्स और वॉश का इनलाइन पंप मिल जाता है, वाटर सेपरेटर सिंगल फिल्टर के साथ ट्रैक्टर में मिल जाता है जी। अब दोस्तों इसकी शो एक बार बंद कर देते हैं और अब बात करेंगे ट्रैक्टर की इंजन की पावर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमें 34 HP 2340 CC मिल जाती है, अगर बात करें टॉर्क की तो हमें लगभग इसमें 150 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बोर और स्ट्रोक की तो 90/100 का हमें इसमें बोर स्ट्रोक मिल जाता है। ठीक है, 100 या 110 लगभग इतना मिल जाता है, बाकी कन्फर्म करके मैं नीचे लिख दूंगा। अगर दोस्तों हम बात करें इसके टायर साइज़ के बारे में तो आगे 6/16 और पीछे 13/6/28 के टायर मिल जाते हैं। बैटरी इसकी आ जाती है बाहर, सेल्फ आ जाता है यहाँ पर दोस्तों फोर्ड का, या मैं फार्म ट्रैक कहूँगा तो पहले फार्म ट्रैक में थोड़ी सेल्फ निकालने की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि अगर हम इसका सेल्फ निकालें तो बड़े आराम से अब निकल जाता है, पहले उसके आगे पंप होता था उस तरफ आगे दिक्कत आती थी। और यहाँ पर हमारे को मिल जाता है इसका अल्टरनेटर, सिंगल पंप मिल जाता है, और जो हमारा हाइड्रोलिक फिल्टर है वो यहाँ आ जाता है। दोस्तों इस ट्रैक्टर का इंजन ज़रूर छोटा है, लेकिन पिछला हिस्सा जो है गेयर बॉक्स और ये पीछे का, ये पूरा बड़ा ही है जो फार्म ट्रैक 60 में आता है, बिल्कुल उसी तरह का। क्लच पैडल कुछ इस तरह के मिल जाते हैं जी। गेयर इसमें है जी हाइलो वाला गेयर आता है जी, मान लो 4 आगे के और 1 पीछे का, यानी कि अगर 8 आगे और 2 पीछे के। ठीक है, 50 लीटर का डीजल का टैंक आ जाता है, और इसमें हमें 24/7 केयर जो है वो बटन, वो भी इसमें मिल जाता है, अगर आप उस बटन को दबाओगे सीधा कॉल जाएगी कंपनी में। सलंसर चेक करो जी, वही फार्म ट्रैक 60 जैसा, और तेल में डूबा हुआ एयर क्लीनर हमें मिल जाता है ट्रैक्टर में। दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें मिल जाता है लीवर, 540 चक्कर हैं इसके PTO के, क्योंकि छोटा ट्रैक्टर है इसलिए सिर्फ 540 और सिंगल क्लच हमें मिल जाता है। लिफ्ट का लॉक वगैरह ये आ गया, हैंड वाली ब्रेक जो है वो यहाँ आ जाती है। आर्म चेक करें दोस्तों इसके, तो आर्म काफ़ी कम कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक्टर के सही हैं। ठीक है जी, अब दोस्तों पीछे का लुक जो है वो ट्रैक्टर का हम देखेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा ट्रैक्टर इसमें पूरा मैं दिखा दिया मैंने आपको। रिफ्लेक्टर, टूल बॉक्स यहाँ, डबल पिन सेंसिंग, ट्रॉला सॉकेट, सिंगल अडॉप्टर और जैक सिस्टम आ गया जी। इसकी ब्रेकों में जो दोस्तों बहुत सुधार कर रखा है कंपनी ने जी, ब्रेकें इसकी आ जाती हैं बाहर पूरी, और इसमें हमें मिल जाती है 5 साल की वारंटी। अब दोस्तों ट्रैक्टर का जो सीधे साइड का जो हिस्सा है वो देखेंगे हम, कुछ इस तरफ से हमें इस तरह का ट्रैक्टर ये मिल जाता है। ये 300 घंटे पे है सर, पहली 50 पे, पहली 50 पे सर्विस है और दूसरी 300 घंटे पे। ठीक है जी, और सर्विस का खर्चा लगभग कितना आ जाता है इसका?
अच्छा 3,35,000 लगभग है। ठीक है ठीक है, चलो तो दोस्तों मैंने आपको इसका सर्विस का खर्चा भी लगभग बता दिया, 3,000 से 3,500 लगभग खर्चा है इस ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर की स्पीड भी मैंने दोस्तों आपको बता दी। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। दोस्तों एरिए के हिसाब से है जी, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर कहीं थोड़ा बहुत नीचे, और आप मान के चलो कि 5.5 लाख से लेकर 5,80,000 तक का ट्रैक्टर ये आपको मिल जाएगा। और वीडियो जो है दोस्तों ये बन रही है उत्तराखंड रुद्रपुर से, बाकी आप यहाँ डीलरशिप पे आओ और आपको हर तरह का ट्रैक्टर मिलेगा। 60-55 छोटा ट्रैक्टर ये हो गया, 3,500 का ट्रैक्टर ये हो गया, एटम सीरीज 60-55, मतलब हर एक तरह का मॉडल अगर होगा तब भी अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने यारों दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।